एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़ोरास्ट्रियन यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है, और क्योंकि मैं आधी पारसी हूँ और बॉमन फुल पारसी है, और हम एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें हम दोनों पारसी बने हुए हैं, तो दे थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू गेट अस टू लॉन्च द एनुअल कैलेंडर विद दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स अप. और ये हर साल ये कैलेंडर को सेल करते हैं और उसके प्रोसीड्स पारसी चैरिटी को देते हैं, विच आई थिंक इज अ फैबुलस थिंग. आई थिंक वो बहुत ही मतलब अच्छी बात है, बिकॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन, लॉट ऑफ डिटेलिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, स्टाइलिंग, मेकअप, फोटोग्राफी, मॉडल्स, और ये सब उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में किया है, सो दैट द कैलेंडर कैन हेल्प चैरिटी. This is a youth organization of the Parsi community. They get together. They have a lot of events. I think this is just one of the ideas behind it, to get the youth together, do some constructive work, bring in talent together, pool in the talent. आने वाली तो बॉमन के साथ मैं एक्टिंग कर रही हूँ. फिल्म का नाम है शिरीन फराज और ये एक पारसी रोम कॉम है, और मैं पहली बार एक्टिंग कर रही हूँ, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे लिए. थोड़ा कभी कभी मैं वंडर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ.